राधे राधे दोस्तों, मैं आपके अपने संगीता देवभूमि हिमाचल कुल्लू से एंड मॉर्निंग का शूट इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि बस का टाइम होना था और जल्दी जल्दी आना था। ये सोच के आ रही थी कि कोई मिल जाए साथ में चलने के लिए, क्योंकि यहाँ से ना छड़ा जंगल है और थोड़ा डर भी लग रहा है, पर जाना तो है ही घर। तो पीछे तो देख सकते हैं, सामने वाली आप देख सकते हैं, ये है पूरा मतलब चलने को यहाँ से ऊपर को। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे रोड कहाँ है, वो अगर आपको नीचे दिख रहा होगा लाइन जैसे ना, पर ये रोड है वहाँ से, ये रोड है जो कि कुल्लू के लिए जाता है और यहाँ से ऊपर को जाना है घर को। और ये वो पेड़ है जहाँ पे हम स्कूल टाइम में पिंती बोलते हैं, जो कि इसके बाद लगती है, पीसे हुए नमक के साथ खाते थे। यार बड़ी होगी तो क्या हो गया, डर तो लगता है ना, इंसान तो है ना भाई, अब डर किस बात का ही, अकेले कैसे चलना, वो जैसे डर है बाकी तो कुछ नहीं है। मेरी मम्मा कहती तेरे को क्या लगा किसने लाया खाना। यहाँ पे मिल गए थे मुझे प्रकाश भैया, वैसे तो मिले तो ये मेरे को स्टार्टिंग में ही थे, पर ये आगे आगे निकल गए थे तो मुझे लगा शायद मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। और वो सामने रहा नीचे रोड जहाँ से मैं अभी तक चल के आई हूँ, और ये वो गांव है जहाँ से मतलब ये छड़ा जंगल है, मोरू का जंगल बोलते हैं उसको। यहाँ ओके है हमारे गाँव को रास्ता, ये है नाला देख सकते हैं, यहाँ से बरसात टाइम आते ठीक ठाक पानी चलता है मतलब। और यहाँ से हम चल रहे थे, कच्चा रास्ता है, और ये वहाँ पे पहुँचे हम जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, मोरू वाला जंगल। और यहाँ ओके रास्ता काफ़ी खुला है, ऐसा नहीं है कि डर वगैरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खुला है, पर कच्चा है रास्ता चलने के लिए है ये, और काफ़ी टाइम लगा चलने को, एंड टू एंड में पहुँची गई। और ये देख सकते हैं आप, फाइनली मैं लियानी लियानी के साथ में लगता है ये प्लांट जहाँ पे पहुँच गई हूँ, और हमारे गांव अभी आगे है। इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसको टूंका। और ये है मैल यानी कि गोबर, जिसको मौ बोलते हैं, इसको बोलते हैं मडोलायरा, खेतों के वहाँ लगाते हैं। और इसके बाद आता है हमारा गांव, हमारे गांव के आसपास मतलब है तो है मरौनी करके एक जंगल, पर वो थोड़ा दूर है गांव, बिल्कुल गांव में नहीं है जंगल, गांव से दूर है मतलब। और ये देख सकते हैं आप व्यू, यहाँ से ना ऊपर जाके तो व्यू अल्टीमेट है, मज़ा आ जाता है देख के। और देख सकते हैं लग वैली में जितने भी सेब के बगीचे हैं उनमें लग गई है जालियाँ। अभी हमारा बगीचा उतना तैयार नहीं हुआ है, मैं भी बगीचे के लिए ही जा रही हूँ, बगीचों का काम है करने को, मम्मा ने बुलाया कौन है, ये है हमारा गाँव है। और गाँव पहुँच के मेरी दोनों मतलब भाई के बेटे थे स्कूल में, उन्होंने बुलाया स्कूल, क्योंकि उनका था फंक्शन, कुछ एनुअल फंक्शन था तो मुझे जाना था, और रास्ते में मिल गए ये खच्चर, और मैं डर के मारे साइड ही हट गई क्योंकि जाने नहीं दे रहे थे, और मुझे जाना था वो सामने। और ये है मतलब बीच रास्ते में खड़ गए थे ना ये, जैसे ये साइड हो जाते हैं और उसके बाद मैं निकलती हूँ आगे को। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सभी मैक्सिमम लोग पहाड़ों में अपना मतलब, जैसे हिमाचल की बात करूँ ज़्यादातर लोग पहाड़ों में कुल्लू मनाली में अपना पेड़ ही लगाते हैं। और देखो हमारे गांव में क्या नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्पैन, जिसमें सामान वगैरह लाना होता है, राशन पानी जो भी रहता है, पहाड़ों पे पीठ में उठा के भी लाते हैं लोग, हमारे सर पे नहीं उठाते हैं, हमारे पीठ में उठाते हैं, उसके लिए कीड़ा होता है, रस्सी बोझा बोलते हैं हम, वो सारा पेट में लाते हैं, और जो ज़्यादा हैवी सामान होता है वो इसमें ला बोलते हैं घरारी, और आगे लगा होता है इसका छाबा। और यहाँ का जो एनुअल फंक्शन था प्राइमरी लेवल का था, वो कैसा रहा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।